देखिए आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो जो नीट वाले बच्चों का जो मेरा 2024 का चल रहा था प्लान, तो उसमें है क्या मेरे पास कि आज जीओसी का हमारा सेकंड लेक्चर है, तो उसमें मैं फिर कुछ पीआईक्यूज लेके आया हूँ। देखो एक क्वेश्चन ये मेरे पास नीट में पूछा गया है, सर मैं लिखना भूल गया हूँ इसका। देखा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सबिक टॉटोमेरिज्म, ठीक है, करंट में तो कौन कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो भाई यहाँ पर मेरे पास साफ दिख रहा है सीओ ग्रुप है, तो सीओ के बगल में यहाँ तो भाई दो अल्फा एच है, मेरा जो कंपाउंड फर्स्ट है वो तो भाई मेरे पास टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है भाई। अगर कंपाउंड सेकंड की बात करें तो यहाँ पर भी मेरे पास दो अल्फा एच हैं, तो कंपाउंड जो सेकंड नंबर वाला है ये भी मेरे पास टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब बात करते हैं कंपाउंड थर्ड की, ठीक है। कंपाउंड थर्ड में देखो भाई इधर उसने बना दिया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक कार्बन तो है मगर सिंगल बॉन्ड का नहीं है, ठीक है, और दो मेथिल कर दिए। तो देखो इसमें इस वाले कंपाउंड में होगा क्या कि ये अपने आप को पहला रेसोनेंस करेगा। देखो ऐसे करेगा, ये इधर जाएगा तो ये चीज इधर आएगी। तो जरा इसका एक नेक्स्ट फॉर्म जरा पहले मैं बना दूं, तो इसका नेक्स्ट फॉर्म एक बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये अगल बगल मेथिल ऐसे रहेंगे, ये सिंगल बॉन्ड ओ माइनस हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस जगह में मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव को स्प्लाइस करने के लिए ये जो एच है यहाँ से एच प्लस के फॉर्म में जुड़ के यहाँ लग जाएगा और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो इसका नेक्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर ऐसे रहेगा, यहाँ डबल, ये देखिए OH, देखिए एक प्रकार का ये भी इनोलिक फॉर्म बना हुआ है। क्या बना हुआ है, इनोलिक फॉर्म। तो भैया मेरे पास अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिख जाए ना जिसमें CO के बगल में डबल आ जाए, फिर बाद में एक sp3 का कार्बन दिख जाए जिसपे H लगे हो, तो वो भी कंपाउंड मेरा टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो मेरा जो ऑप्शन इसमें जो भी टिक लगाएंगे आप, मेरे पास फर्स्ट वाला भी होगा, सेकंड वाला भी होगा और थर्ड वाला भी मेरा क्या शो करेगा, टॉटोमेरिज्म। नोट करते जाइए। अब देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, बाहर में आया, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन लिखा है कि 2-methyl-2-butene का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे चार आपके स्ट्रक्चर बने होंगे, तो भाई आप सीधा सा आपको IUPAC नाम गिवेन है, आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए। अब जैसे लिखा है ब्यूट लिखा है, ठीक है, तो ब्यूट का मतलब आप चार कार्बन यहाँ बना लेंगे, ठीक है। ब्यूट के बाद यहाँ पर ईन भी है और टू ईन है, तो टू पे मतलब वन और टू टू पे आप डबल बना लेंगे और टू पे ही मेरा मेथिल है। तो आप चाहे इधर मेथिल बनाए चाहे इधर मेथिल बनाए, यहाँ मैंने मेथिल बना लिया और इस जगह पे ये भी मेरे पास CH3 हो जाएगा। इस जगह पे H नहीं लगेगा मगर हाँ यहाँ H लगेगा और ये मेरे पास CH3। या तो ये ऐसे लिख के दे सकता है या फिर ऐसे लिख सकता है CH3 C, इधर CH3 कर देगा और डबल बॉन्ड इधर CH कर देगा, इधर CH3, या तो फिर इस तरह से भी लिख के दे सकता है, ठीक है। तो 2-methyl-2-butene आपका इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, नोट कर दो फटाफट। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना है, ठीक है भाई। तो IUPAC में करना क्या सिंपल सा, पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, उसके बाद बाकी बातें बाद में होंगी, ठीक है। सबसे लंबी चेन देखिए, मैं इसको अगर चेन बनाऊं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की है। अगर मैं इधर चला जाऊं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की ये भी है। अगर मैं आगे चला जाऊं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की है। तो देखो भाई सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन बन गई वो मेरे पास ये, मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन जो जिसको मैं डब्बे बंद कर रहा हूँ, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास ये बन गई, ठीक है। तो ये तो मेरे पास चेन हो गई। अब मैं नंबरिंग इधर से करूंगा, तो नंबरिंग उधर से करूंगा जिधर से मेरा कोई सब्सिट्यूएंट पास पड़ेगा, ठीक है भाई। इधर से करूंगा नहीं, तो ये मेरे पास वन कार्बन है, ये मेरे पास टू, देखिए थर्ड नंबर पे मेरा मेथिल मिल गया और फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे तो ये ग्रुप मेरे पास एथिल होगा, ठीक है। फिर मेरे पास 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर मेरे पास 8 नंबर, पूरी चेन 8 की है। अब देखिए 3 पे मेरे पास मेथिल दिख रहा है और मेरे पास 4 नंबर पे क्या दिख रहा है, एथिल। अब मेथिल एथिल में मैं पहले लिखूंगा एथिल क्योंकि अल्फा अपने पहले ई आता है, तो मैं लिखूंगा 4 पे मैं लिख लूंगा एथिल लिख लूंगा, उसके बाद 3 पे मैं लिख लूंगा मेथिल लिख लूंगा, 3 पे मेरे पास मेथिल हो जाएगा और चेन मेरे पास 8 की है, तो यहाँ पर ऑक्ट के साथ एन मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो मेरे पास होगा 4-ethyl-3-methyl-octane, भाई बनाते जाइए फटाक से। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें से बताना है मेरे पास कौन सा रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की है। तो देखो भाई पहले देखते हैं ए ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड था और वाटर से रिएक्शन होने के बाद सिंगल बॉन्ड हो गया। तो पहली बात तो ये जो रिएक्शन है ये पहली रिएक्शन तो एडिशन की हो गई और मेरे को छांटना है सब्स्टिट्यूशन, ए ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। बी वाले में देखिए ग्रिग्नॉर्ड में आप देख सकते हैं ये ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन एल्डिहाइड से कराई गई है, एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये भी मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का है क्योंकि आर माइनस का अटैक यहाँ पर होता है, तो ये भी मेरे पास किसका एग्जाम्पल है, एडिशन का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जरा, देखो ये सी वाले में देखिए आप देखें बी आर हटा है और यहाँ पर फाइनली क्या लग गया, NH2, इसका मतलब अमोनिया का अटैक यहाँ हुआ होगा, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर HBr निकल गया होगा, तो यही पर जो मेरे पास एग्जांपल सी है ये मेरे पास सब्स्टिट्यूशन भी है प्लस अमोनिया न्यूक्लियोफाइल भी होता है, तो फोर्थ ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं। फिर भी अगर आप देखें
तो मैं एसिटाल्डिहाइड को ऐसे लिख लूंगा, और यहाँ पर मैं जब एच सी एन दूंगा एस सी एन, तो सी एन निगेटिव यहाँ अटैक कर जाएगा, तो ये एक प्रकार का एडिशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन सी जो है वो मेरे पास एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बताना क्या, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ये जो है ये 2010 के मेंस में पूछा गया है, ठीक है, 2010 के किस में पूछा गया, मेंस में आया, ठीक है, मेंस और नीट लेवल लगभग एक इक्विवेलेंट है। तो वो पूछा है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है, तो भाई सीएल प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल होता मालूम होगा। अगर मैं बोरेन की बात करूँ तो बोरेन के पास BH3 में तीन है जैसे लगे होते हैं, और बोरॉन का चूंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो एक पी ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर होता है जो कि इम्पटी होता है, क्योंकि इम्पटी है ये लोन पर एक्सेप्ट कर लेगा, तो इस वजह से ये भी मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अगर मैं बात करूँ NO2+ वो भी इलेक्ट्रोफाइल, हाँ हाइड्रोनियम आयन जो होता है, हाइड्रोनियम आयन में आप देखें ऑक्सीजन के पास यहाँ पर तीन बॉन्ड बन चुके हैं, चार्ज प्लस आ चुका है, तो ऑक्सीजन पे जो मैक्सिमम बॉन्ड बनते हैं बेटा तीन ही बनते हैं, ठीक है, अब चौथा बॉन्ड तो इसमें बन नहीं पाएगा, तो प्लस चार्ज तो है, प्लस चार्ज तो है, मगर ये चौथा बॉन्ड तो बना नहीं पाएगा, तो ये मेरे पास सी जो ऑप्शन है हाइड्रोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कभी काम नहीं करेगा। नोट करते यही फटाक से। अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल सा पूछा गया, 2005 का है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल। तो देखिए सारे के सारे मेरे पास बने हैं कार्बोकैटायन, और आपको पता है कि कार्बोकैटायन में जिसकी डिग्री जितनी ज्यादा हायर होती है वो भाई उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो जरा बात कर लें, तो भाई ये तो सीनो एच लिए तो ये 0 डिग्री का कार्बोकैटायन हो गया, ठीक है, इस कार्बन पर एक कार्बन तो ये मेरे पास 1 डिग्री का हो गया, इस कार्बन पे 2 कार्बन तो ये मेरे पास 2 डिग्री का हो गया, इस कार्बन पे 3 कार्बन तो मेरे पास 3rd डिग्री का है। तो जिस कार्बोकैटायन की डिग्री जितनी ज्यादा होगी उसमें आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी उतना लगेगा और इंडक्टिव इफेक्ट भी उतना ज्यादा मोस्टली लगता है। तो मेरे पास जो डी ऑप्शन है वो मेरे पास इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, बना लीजिए फटाक से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, लिखा है मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। कह रहा मेरे पास ये जो 4 कंपाउंड है इसमें से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे फास्ट किस पर हो जाएगा, ठीक है, तो भाई सीरियस बात है जिस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो चलो पहले हम लोग डी से बात करते हैं, डी वाले में देखो भाई मेथिल इलेक्ट्रॉन डोनर है मगर हाइपर कॉन्जुगेशन से वीक इफेक्ट है, प्लस ये जो ऑक्सीजन लगा है ये चूंकि रिंग पे डायरेक्ट नहीं है इस वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ओवरऑल इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है फिलहाल इन सबके कंपेयर में, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक तो स्लो होगा। अब इसकी बात करें एन सेंटर वैसे तो बढ़िया डोनर होता है, एन सेंटर वैसे तो बढ़िया डोनर है, अगर बगल में सीओ लग गया तो भाई इसका रेसोनेंस इधर से भी होगा, तो कहीं ना कहीं इधर का जो रेसोनेंस है वो काफी कम हो जाएगा। नाइट्रोजन का सेंटर जो है वो बेस्ट डोनर होता है, ठीक है, मगर बगल में सीओ लग गया तो इसकी डोनेशन पावर थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। देखो CH3 तो सब में लगा है उसको हटा दो, ठीक है। अब बात करते हैं OCH3 और OH, तो मैं बात करूँ दोनों ओ सेंटर है, तो देखो OH वाला जो होता है वो रिंग को ज्यादा बेटर एक्टिवेट करता है, क्योंकि जब O जब एक्टिवेट करेगा तो O पर चार्ज क्रिएट होगा पॉजिटिव, जब अपने प्लस को हटाने के लिए ये तुरंत इससे विड्रा कर लेगा जो कि CH3 वाले से इलेक्ट्रॉन विड्रा कर नहीं पाएगा, ठीक है, मतलब मैं यही कर रहा हूँ कि जब O इलेक्ट्रॉन धरेगा तो O पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो अपनी कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ना चाहेगा, तो यहाँ पर OC बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएगा मगर OH बॉन्ड ब्रेक करके अपनी जो डिफिशियंसी वो पूरा कर लेगा, तो जो ज्यादा बेस्ट एक्टिवेटर है वो मेरे पास B वाला है। तो वो मेथिल की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेथिल ग्रुप सब में चिपका रखा है, तो सब में इफेक्ट एक जैसा आएगा, तो बस जो अदर ग्रुप है इन सब की बात कर लेते हैं, तो बेस्ट एक्टिवेटर यहाँ कौन होगा, OH होगा इन कम्पेयर टू बाकी अदर 3, बना लीजिए फटाक से। अब एक क्वेश्चन देखिए ये पूछा गया, बता रहा है इसमें से किसमें से टॉटोमेरिज्म हो पाएगी, तो भाई देखो सीधी बात है सब में मोस्टली NO2 वगैरह लगा हुआ है, देखो ये तो एमीन है, तो एमीन में तो वैसे भी टॉटोमेरिज्म है नहीं क्योंकि इसके पास कहीं पर कोई डबल बॉन्ड तो होता नहीं, ठीक है, अब यहाँ पर NO है, NO तो है मगर जो बगल में कार्बन है इस पे तीनों तरफ मेथिल लगा है, भाई तीनों तरफ मेथिल लगा है तो अल्फा पोजीशन पे एस तो है नहीं, जब अल्फा पे एच ही नहीं है, जब अल्फा पे एच ही नहीं है तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म तो सो नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब बात करें ए ऑप्शन वाले, तो भाई बी बेकार हो गया क्योंकि एमीन टॉटोमेरिज्म सो नहीं करते क्योंकि वहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, इस वाले में डबल बॉन्ड है मगर जो कार्बन अल्फा कार्बन उस पर तीनों तरफ तो मेथिल लग गया, तो अल्फा एच है नहीं, ए सी भी ऑप्शन बेकार हो गया। ए की बात करो तो वही कहानी है, NO2 तो लगा हुआ है मगर सी पे तीनों आर है। बात करें बी वाले की, तो बी वाले में देखो नाइट्रो के बगल में अल्फा कार्बन पे अल्फा एच लगे हैं, ठीक है, तो भाई जिसपे अल्फा एच मेरे पास होते हैं तो वो मेरे पास टॉटोमेरिज्म शो कर देगा, तो मेरे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी वाला होगा। तो उम्मीद है आज के जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए होंगे तो आपको क्लियर हो गए होंगे, तो आप लगातार ये इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और लगातार अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते रहिए। थैंक यू।